ममता ने सम्मन भिजवाया है, गुनाह यह है कि हमने सच दिखलाया। जितेंद्र नारायण त्यागी एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी पर आरोप है कि उन्होंने द केरल स्टोरी को लेकर के विवादित बयान दिया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने वसीम रिजवी के खिलाफ एक FIR भी दर्ज करवाई है। वेस्ट बंगाल में बहुसंख्यक जुल्म का शिकार क्यों हो रहा है? क्या उन्हीं ने सोचा कि वेस्ट बंगाल में रोहिंगा घुसपैठियों को जो सरकारी सहूलियत देकर बसाया जा रहा है वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या उन्हीं ने सोचा कि बहुसंख्यक समाज के लोग वेस्ट बंगाल में दहशत में क्यों हैं, क्यों अपना घर खाली करके पूरे भारत में भाग रहे हैं? वहीं पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों ने जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वो जमकर जितेंद्र नारायण त्यागी का विरोध कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आइए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के ही शब्दों में आपको दिखाते हैं कि उन्हें किस तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है। पहले फिल्म के डायरेक्टर को, अब डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के प्रोड्यूसर की हैसियत से मुझे आज बंगाल पुलिस ने नोटिस किया है। ममता ने सम्मन भिजवाया है, गुनाह यह है कि हमने सच दिखलाया है। तुम्हारे जुल्म की दास्ता है डेरी बंगाल की, खोलेगी पोल हिंदुओं पर अत्याचार की। ममता जी ने कभी सोचा कि उनकी हुकूमत में वेस्ट बंगाल में बहुसंख्यक जुल्म का शिकार क्यों हो रहा है? क्या उन्हीं ने सोचा कि वेस्ट बंगाल में रोहिंगा घुसपैठियों को जो सरकारी सहूलियत देकर बसाया जा रहा है वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या उन्हीं ने सोचा कि बहुसंख्यक समाज के लोग वेस्ट बंगाल में दहशत में क्यों हैं, क्यों अपना घर खाली करके पूरे भारत में भाग रहे हैं? डेरी ऑफ वेस्ट बंगाल की शूटिंग अभी किन्हीं कारणों से रुकी हुई है, लेकिन डेरी ऑफ वेस्ट बंगाल बगैर किसी दबाव के दशहरे से पहले पूरे भारत में रिलीज की जाएगी और हम इसका पहला शो वेस्ट बंगाल में ही देखेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।